ऊना जिले के पंजोआ में आज सुबह श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रक के पलटने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि 31 श्रद्धालु घायल हो गए। ये लोग पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हैं जो मैड़ी में होला मोहल्ला उत्सव के अंतिम दिन आज वापस लौट रहे थे। घायलों को नागरिक अस्पताल अंब में भर्ती करवाया गया है। ये ट्रक पंजोआ के पास अचानक बेकाबू हो गया और खाई में जा गिरा। इस ट्रक में लगभग 50 लोग सवार थे। उल्लेखनीय है कि मैड़ी में आयोजित होला मोहल्ला उत्सव में पिछले कुछ दिनों से बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मालवाहक वाहनों में दर्शनों के लिए पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के सफर करने पर प्रतिबंध लगाया है। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई और प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों को फौरी राहत दी गई है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैड़ी मेले से पंजाब के लिए वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक जो है वो पंजोआ नामक स्थान के समीप जो है वो पलट गया है। उसमें कुछ श्रद्धालु सवार थे जिनको एक्सीडेंट साइट से हमारी टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया है और सिविल अस्पताल अंब के लिए उपचार के लिए इन सभी को रेफ़र किया गया है। लगभग इसमें जो है वो 30 के करीब इंजर्ड लोग हैं और दो कैजुअल्टीज़ इसमें रिपोर्ट की गई हैं। इन सभी को सिविल हॉस्पिटल अंब में उपचार दिया जा रहा है और आगे जो मेजर इंजर्ड हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है और रेवेन्यू की जो हमारी टीम्स हैं वो इमीडिएट रिलीफ जो रिलीफ मैनुअल में मिलता है पैसों की सहायता के रूप में वो इन सभी परिवारों को श्रद्धालुओं को देने के लिए स्पॉट पे हैं और वर्तमान में जो डिसबर्समेंट है वो चला हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंजर्ड श्रद्धालु हैं उनकी जान बचाई जा सके और उनको तुरंत जो है उचित उपचार जो है वो हम दे सकें।